हेलो, गुड इवनिंग वंस अगेन। सो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसके दो पार्ट है। पार्ट ए, इट सेज कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ये है कि एक्स वाई पॉजिटिव एंड एक्स इंटू वाई इज लेस देन 1। इसकी जो इम्पोर्टेंस है अभी आपके सामने आ जाएगी। एंड सेकेंड पार्ट कहता है इट इज पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ दिस व्हेन एक्स वाई पॉजिटिव और जब एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज तब समझ में आएगी जब हम इसका प्रूफ करेंगे। सो लेट्स डू दैट। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि प्रूफ में आपको वही प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसका बहुत यूज होना है, ठीक है। तो उसको देखना है यहां से। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मान लेता हूं tan इनवर्स ऑफ x सम एंगल अल्फा और tan इनवर्स ऑफ y सम एंगल बीटा, ठीक। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा जो एंगल से ये क्या होंगे ध्यान से देखते। देखो x क्या है, पॉजिटिव और y पॉजिटिव। tan इनवर्स का ग्राफ आपको याद होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। जब x पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाय 2 और जब x नेगेटिव है तो माइनस पाई बाय 2 से 0। तो क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है सो क्लियरली आपका अल्फा यहाँ कहां से कहां है, दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। सिमिलरली बीटा भी आपका कहां है, 0 से पाई बाय 2। ये हमें आपकी रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी फॉर्मूला से आपको कुछ नजर तो आई है कि ये फॉर्मूला समहाउ कुछ tan ऑफ x प्लस y यानी कि tan a प्लस b वाला बनने वाला है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वही एक आइडेंटिटी यूज करता हूँ, ठीक है। कौन सी, tan ऑफ a प्लस b वाली। नाउ सो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक। मुझे पता है tan अल्फा प्लस बीटा यानी कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। tan अल्फा कितना है x और tan बीटा कितना y। सो बेसिकली ये क्या है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, क्लियर। अब देखो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड अप्लाई करने वाला हूं tan इनवर्स। क्या अप्लाई करने वाला हूं, tan इनवर्स। सो tan इनवर्स ऑफ यहां पे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा और यहां पे आपका हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ठीक। अब यहां से चाहिए बेसिकली, अब ये सारा जो अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स ऑफ tan सम थीटा कैंसिल मैं नहीं कर सकता जब तक ये जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं है, ठीक है। सो यहां पे जो पहला केस बन रहा है वो ये था कि वेन x इंटू y इज लेस देन 1, इसका क्या सही है। देखो यहां से अब x क्या है मेरा tan ऑफ अल्फा, सो tan अल्फा इंटू टेन बीटा लेस देन 1। और मैं यहां पे कह सकता हूं इसको ले जाता हूं कॉट बना देता हूं tan ऑफ अल्फा लेस देन कॉट ऑफ बीटा। ध्यान से कर आगे इसको मैं लिखने वाला हूं tan ऑफ अल्फा लेस देन कॉट को चेंज कर लेता हूं यानी कि इसको लिख लेता हूं tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा, ठीक है। अब tan अल्फा tan लेस देन tan पाई बाय 2 माइनस बीटा, tan आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट इज की tan a अगर tan b से छोटा है तो a b से छोटा है एंगल, ये हम काफी बार फंक्शन पे बात कर चुके हैं। सो यहां से मेरे को क्या मिलता है अब कि अल्फा लेस देन पाई बाय 2 माइनस बीटा और जो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां से मैं लिखने वाला हूं दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेस देन पाई बाय 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 से छोटा है
अल्फा और बीटा दोनों आपके पॉजिटिव हैं, सो मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है एक तो पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है और पाई बाय टू से छोटा है। सो इस केस में, कौन से केस में, फर्स्ट केस में एक्स इंटू वाई लेस देन वन है, सो ये कंडीशन अप्लाई करके मेरे को क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा पाई बाय टू से छोटा है और जीरो से तो ये बड़ा है ही है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर केस में ये मेरा जो एंगल है जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, सो इसमें मैं ये डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल करके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इस पूरे केस में मेरे को अब फाइनली ये मिल जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली और मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। अल्फा क्या है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, बीटा क्या है, tan inverse of y, so basically this is nothing but tan inverse of x plus tan inverse of y equals to this value, जो कि आपका रिजल्ट है फर्स्ट वाला। कब, जब x into y 1 से छोटा है, इसको देखो ध्यान से, जब x y 1 से छोटा है तभी ये सारी चीजें अप्लाई करके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला पाई बाय टू से छोटा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं जब मैंने स्टेप पे tan इनवर्स अप्लाई किया मैं कैंसिल नहीं कर सकता था, कब तक, जब तक ये रेंज में नहीं आता। अगर रेंज में नहीं है तो फिर उसके पता है, मुझे पता है कि बाद में क्या करना है, मुझे रेंज में लेके आने के लिए अपने अलाइड एंगल का कंसेप्ट करना है, यूज करना है, या फिर हम ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी नंबर टू है उसको पढ़ चुके हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलो आई होप ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, ऑब्वियसली इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में कंडीशन क्या बदल रही है मैं उसको आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो ये, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि पार्ट टू में अब क्या होगा, पार्ट टू में क्या होगा, एक्स वाई क्या है, देखो ध्यान से, वन से बड़ा है, बाकी तो ये पॉजिटिव तो है ही है, एक्स वाई वन से बड़ा है, ये सारी इनइक्वालिटीज अगर मैं बदल दूं तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है ये पाई बाय टू से बड़ा, अल्फा प्लस बीटा पाई बाय टू से बड़ा हो गया। अल्फा प्लस बीटा दोनों पाई बाय टू से छोटे हैं, तो अगर मैं दोनों का सम की बात करूं तो मैक्सिमम सम कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। सो एक तो यहां से जब ये वाली कंडीशन अप्लाई करी तो दूसरी चीज मिल गई कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय टू से बड़ा है, और मैं कह सकता हूं कि दोनों को मैं मिला के देखूं तो आई कैन से ऑब्वियसली जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो पाई से तो छोटा ही होगा, ठीक है। अब वापस इस स्टेप पे आ जाओ, जब मैंने tan इनवर्स ऑफ tan अप्लाई किया था तो कैंसिल नहीं करना था, अब क्योंकि एक्स वाई वन से बड़ा है सो इस केस में मेरे को जो अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है वो पाई बाय टू से पाई के बीच में। अब पाई बाय टू से पाई के बीच में जब ये होता है तो ये आपको क्या वैल्यू देता है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विद थीटा इज फ्रॉम पाई बाय टू टू पाई। मैं रिमाइंड कर सकता हूं तो आप भी करो, यहां ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x वाला, ठीक है। सो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में y इक्वल टू एक्स लाइन है, और पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू में लाइन कौन सी है, इट इज एक्स माइनस पाई, नहीं याद तो जाके प्रॉपर्टी में देखो। अभी फिलहाल मैं ग्राफिकली समझाऊं मेरे पास इतनी स्पेस भी नहीं है, बट आई होप कि आपने भी अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। सो क्योंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए इस रेंज में मेरे को ये जो चीज मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या मिलेगी, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, और राइट हैंड साइड पे आपका कितना है, ये इट इज टेन इनवर्स ऑफ सॉरी एक्स माइनस पाई होता है, ठीक है, क्या एक्स माइनस पाई। सो एक्स यहां पे कितना है, अल्फा प्लस बीटा, सो ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, सो ये कितना है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स पाई, सो यहां पे अल्फा कितना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बीटा कितना, टेन इनवर्स ऑफ वाई, ये पाई उधर चला गया, सो ये बन गया आपका पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया, और मैं बार बार ही बोलता हूं कि वो प्रॉपर्टी नंबर टू कहां पे आपके आते हैं, जैसे ही टेन पे मैं कुछ टेन इनवर्स अप्लाई करता हूं मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता जब तक ये रेंज में नहीं है, इसकी प्रिंसिपल
रेंज जो है 10 यूनिवर्स की। रेंज में तो डायरेक्टली कैंसिल करो, और रेंज में नहीं है तो रेंज में लेके आओ। लेके आने के लिए सिंपल है, मैं अलाइड एलियट कांसेप्ट यूज कर लूंगा। आपके प्रॉपर्टी नंबर टू अगर आपको अच्छे से अब तक याद हो गई है तो हम वहां पे डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर सिक्स फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपके दो केस बनते हैं, एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन वन, एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसी कंडीशन पे वो क्वेश्चन पूछता है, कभी ये चीज दे देगा वहां से छोटी, कभी चीज देगा वहां से बड़ी, नहीं भी देगा तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में पुट कर रखा होगा, आपको खुद से पहचाननी होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट है ना वो जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, ओके। सो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, वो कहता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसका एक ही पार्ट, आपको कोई ज्यादा कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज x माइनस y अपॉन x प्लस y वन प्लस x इन टू y, द ओनली कंडीशन इज x y must be positive, ठीक है। जो बाकी सारे केसेस है वो सारे मैं या तो इसमें कन्वर्ट कर, मतलब इन दोनों में आपका ये पूरी प्रॉपर्टी लग जाएगी इस तरीके से, या तो tan inverse of x minus y या tan inverse of x plus tan inverse of y, ठीक है। सो याद रखना, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सेट होता है, और मेंस में तो आता ही आता है, एडवांस में वो काफी बार आते हैं, ठीक है। कुछ सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बाद में कराऊंगा, फिलहाल के लिए आपके प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, ठीक। चलो हम अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, ठीक, ओके। सो ये हमारा पहला एग्जांपल है, यू नीड टू प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 5, एंड इसका सेकंड पार्ट है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3 इक्वल्स टू 5 बाय 2, ठीक है। सो लेट्स टेक देम वन बाय वन, इस ए पार्ट की बात करते हैं, तो अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ, सो tan इनवर्स ऑफ 1 तो हमें पता ही कितना होता है, इट इज नथिंग बट 5 बाय 4, ठीक है। अब यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। ध्यान रखना है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, यहाँ पे x y क्या है, x y एक तो पॉजिटिव है और x इंटू y जो कि 6 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका पाई प्लस y प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। सो बहुत सिंपल हो गया आपका ये, देखो दिस इज पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस, ये देखो ध्यान से कितना बना, दिस इज नथिंग बट 10 2 5 और माइनस 5 यानी माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस पाई बाय 4, तो ये आपका कैंसिल होके क्या बचा 5, ठीक है। तो सिंपल सा रिजल्ट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको इनको याद रख लेना है, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते जल्दी से, सेकंड पार्ट में क्या था, अगेन इसकी वैल्यू कितनी है 5 बाय 4 पर यहां पे 1 बाय 2 1 बाय 3 पॉजिटिव एंड x टू y 1 बाय 6 1 से छोटा है, तो ये पाई नहीं आएगा, ये डायरेक्टली कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y यानी कि 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3, ठीक। यहां से देखो कितना बन गया, ये बन गया पाई बाय 4 प्लस, ये सिंप्लीफाई होकर अंदर क्या बन रहा है tan इनवर्स ऑफ एलसीएम के ऊपर कितना 5 बाय 6, नीचे भी 5 बाय 6, तो 5 बाय 6 5 बाय 6 1, सो दिस इज 5 बाय 4 5 बाय 4 प्लस 5 बाय 4 आपका आ गया आंसर सिंपल सा 5 बाय, ठीक। सो प्रॉपर्टी एक तो रिजल्ट ही याद है होना चाहिए, दूसरा कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन से देखोगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ओके। So two more problems, let's see them. Example 2 says the value of tan inverse of 4 plus
tan inverse of phi equals to cot inverse of lambda, then this lambda is equals to, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री पे बाद में आते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि टू, ठीक है। सो कुछ नहीं, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, tan inverse of x plus tan inverse of y वाली, और यहाँ पे x into y जो है यानी कि 21 से बड़ा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी कितनी, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ दिस इज 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 5, और ये राइट हैंड साइड पे दे रखा है कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा के, ठीक है। सो ये कितना बन गया, पाई प्लस टेन इनवर्स, ऊपर कितना 4 5 9 और ये 19, यानी कि माइनस 9 अपॉन 19, माइनस 9 अपॉन 19, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये है टेन इनवर्स, ये है कॉट इनवर्स, और ये है आपका पाई, ठीक है। तो बहुत कुछ है करने के लिए, प्रॉपर्टीज हमें बहुत सारी पढ़ ली है। सबसे पहले मेरे को जो दिख रहा है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स ऑफ x, एक काम मैं ये कर सकता हूं, ठीक है, चलो वो कर लेते हैं। जो भी सामने आ रहा है, ऐसे कोई वो मेरे दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सिंपल है, तो प्रॉपर्टीज जो दिमाग में आ रही है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूं, ये बन गया पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस बाहर आ गया, तो ये बचा 9 अपॉन 19, ठीक। सो राइट हैंड साइड पे अपना कितना, cot इनवर्स ऑफ लैम्डा, अच्छा tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल देता हूं, सो cot इनवर्स में बदलता हूं, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स अपॉन 19 अपॉन 9, ठीक है, सिंपल। जब x पॉजिटिव होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट हैंड साइड पे वही cot इनवर्स ऑफ लैम्डा। अब देखो ध्यान से, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है, दिस इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ माइनस x, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर टू, याद करो। थोड़ा सा बेटा प्रॉपर्टीज के बिना फंसने वाला काम हो जाता है, ठीक है। सो अब इसको उधर लेके जाऊंगा तो फिर क्या क्या हमारे दिमाग में आते हैं, बट अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी याद नहीं रखता हूं तो लेंथी चला जाऊंगा काफी, क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि cot इनवर्स ऑफ जो माइनस एक्स होता है वो दो होता है, जब x आपका cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, प्रॉपर्टी टू में हमने डिस्कस कर रहा है, ठीक है। सो पाई उल्टा मैं देखू तो पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x इंप्लाइज दिस इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ माइनस 19 अपॉन 9, सो राइट हैंड साइड पे ये दे रखा है आपको कितना, cot इनवर्स ऑफ लैम्डा, देयरफॉर क्लियरली your lambda is minus 19 upon 9, this is your answer, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी लगाई, अब tan inverse cot inverse बाकी का जो अलजेब्रा है ऑब्वियसली एक तो प्रैक्टिस से आता है, दूसरा प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए। पाई माइनस cot inverse ऑफ x इज नथिंग बट cot inverse ऑफ माइनस x, ठीक। चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को, वो क्या कहता है। लुक केयरफुली, इफ टेन ऑफ, बाहर टेन लगा हुआ, अंदर है टेन इनवर्स ऑफ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इज एक्सप्रेस्ड एज ए बाय बी, एक्सप्रेस्ड एज ए बाय बी इन लोएस्ट फॉर्म, देन ए प्लस बी प्लस टू, बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करना है। सो लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और ऑप्शन हमारे पास है 19, 25, 38 या 45, क्लियर। सो चलो देखते हैं ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड देखो, बाहर लगा हुआ है कुछ टेन, अंदर देखो ध्यान से 1/2, 1/3, अच्छा अगर हम कुछ याद कर सकते हैं तो मैं याद इनको देखो ध्यान से, ठीक है। अब चार का तो मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हालांकि चार के लिए या पांच के लिए कितनों के लिए भी फॉर्मूला होता है, बट फिलहाल हम दो दो पे लगा देते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/3 पे लगा देते हैं, और फिर 1/4 और 1/5 पे लगा देते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर वन का
जो सेकंड पार्ट था टेन रूट्स ऑफ वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय टू वन टेन रूट्स ऑफ वन तो पाई बाय फोर है तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी पाई बाय फोर निकल के आई थी पाई वो क्या आपको याद है अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी है पाई बाय फोर जाके पीछे देखो क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट था प्लस इस पे मैं लगा देता हूं इस पे क्या लग जाएगा दिस इज टेन इनवर्स ऑफ ए एक्स और वाई एक्स इंटू वाई इज वन से छोटे सो ये कितना आ जाएगा दिस इज वन अपॉइंट फोर प्लस वन अपॉइंट फाइव प्लस वन माइनस वन अपॉइंट फोर इंटू वन अपॉइंट फाइव ठीक सो फाइनली ये जो मेरे को दे रहा है दिस इज टेन ऑफ चलो मैं यही कर लेता हूं फाइव बाय फोर प्लस ये कुछ एंगल अल्फा है या फिर जो भी है टेन वर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो कितना बन रहा है ये पांच चार नौ बीस और बीस में से एक ये उन्नीस तो दिस इज नाइन अपॉन नाइनटीन हो गया नो प्रॉब्लम अब ये अगर एंगल कुछ अल्फा है ठीक है सो टेन फाइव बाय फोर प्लस अल्फा वाली प्रॉपर्टी लगा दू क्या होता है टेन पाई बाय फोर प्लस अल्फा वन प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इसकी वैल्यू अल्फा है दैट इज टेन इनवर्स नाइन अपॉन नाइनटीन इक्वल्स टू अल्फा सो टेन अल्फा कितना है नाइन अपॉन नाइनटीन ठीक है सो ये मेरे को क्या मिल रहा है दिस इज वन प्लस नाइन अपॉन नाइनटीन डिवाइडेड बाय वन माइनस नाइन अपॉन नाइनटीन दैट इज नाइन टीन प्लस नाइन आपका ऊपर आ गया नौ नौ अट्ठाईस और नीचे कितना आ रहा है नाइनटीन माइनस नाइन यानी कि टेन ठीक सो लोएस्ट फॉर्म में अगर मैं करता हूं तो ये कैंसिल होकर आपको क्या देता है ऊपर फोर्टीन एंड डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है सो ए प्लस बी जो है लोएस्ट फॉर्म में आपको मिल रहा है कितना फोर्टीन बाय फाइव यानी कि ये आपका ए है ये आपका बी है समझ के जाइए ए प्लस बी फोर्टीन प्लस फाइव विच इज इक्वल टू नाइनटीन सो दिस इज योर आंसर ठीक सो रिव्यू करो एक बार क्वेश्चन को हम हर क्वेश्चन को करके एक बार रिव्यू करते हैं सबसे पहले कि ये चार थे मैं अभी चार वाला फॉर्मूला आपको बताऊंगा थोड़ी देर में फिलहाल मैं दो दो करके प्रॉपर्टी लगा रहा हूं इन दोनों का मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया क्वेश्चन नंबर वन में करा था इन पे हमने लगा लिया ठीक है इफ दिस टाइम वाज सम अल्फा दे वापस टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला या फिर पाई बाय फोर प्लस अल्फा वन प्लस टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टेन अल्फा हमारे पास कितना है नाइन बाय नाइनटीन वैल्यू रखी लोएस्ट फॉर्म एक्सप्रेस करा फोर्टीन बाय फाइव सिंपल आपका आंसर ठीक चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और सो एग्जाम्पल फोर में हमारे पास है देखो ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रूव दैट टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन टू ए प्लस टेन इनवर्स कॉट ए टेन इनवर्स ऑफ कॉट क्यूब ए इक्वल्स टू पाई व्हेन ए इज फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर एंड जीरो व्हेन ए इज फ्रॉम पाई बाय फोर से पाई बाय टू ठीक है सो ऑब्वियसली इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कुछ ये कॉन्स्टेंट नॉर्म्स बन गए और ए पे डिपेंड कर रही है चीजें सो एनालाइज करो और देखो ध्यान से पहले कि मैं कर क्या सकता हूं ये टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन टू ए ये कॉट ए और कॉट क्यूब ए तो दो करके मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तीन वाली एक साथ लगाता हूं तो बहुत ही अजीब सी टर्म है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ऐसे ही अभी तक मैंने तीन वाला बनाया ठीक है चलो ये तो आ जाएगा हमारे सामने किस पे लगाए किन दो पे लगाए इन दोनों पे लगाए नहीं समझ आ रही तो साफ नजर आ रही है कि कॉट और कॉट क्यूब है तो इन दोनों पे लगाते हैं ठीक है तो इसको मैं बाद में देखता हूं पहले मैं इतना पार्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं क्लियर सो ये जो मेरे को देगा वो क्या देगा टेन इनवर्स ऑफ अच्छा प्रॉपर्टी लगाने से पहले ए और कॉट क्यूब ए इनको चेक कर लेते हैं देखो दो केस है यहां पे एक तो ए जीरो से पाई बाय फोर कॉट की बात करें तो जीरो से पाई बाय फोर पे बाद होता है जीरो पे इन्फिनिटी है तो जीरो से पाई बाय फोर में चेक कर लो वेन ए इज फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर कॉट ए इज ग्रेटर देन वन कॉट ए इज ग्रेटर देन वन तो ये भी वन से बड़ा है ये भी वन से बड़ा है और दोनों का प्रोडक्ट वन से बड़ा हो जाएगा सो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट केस लेके चलता हूं ठीक है दैट इज व्हेन ए इज फ्रॉम जीरो टू
5/4, तो ये आपका क्योंकि x इंटू वाई 1 से बड़ा है तो यहां पे मेरे को कितना मिलना चाहिए, पाई प्लस, ठीक है, इसके आगे ये नीचे तो इसके आगे आएगा, तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ व्हाट, दिस इज ए प्लस बी कॉट ए प्लस कॉट क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट की पावर 4 ए हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं, दिस इज पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ कॉट कॉमन आ रहा है, कॉट ए कॉमन बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे आपके फैक्टर बन रहे हैं बड़े आसान से, दैट इज 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो ये जो टर्म है ये आपकी हो गई कैंसिल, ठीक है, बाहर टेन इनवर्स है अंदर कॉट है, तो आप चाहते हो तो इसको टेन में बदल लो, ठीक है, चलो मैं टेन में बदल देता हूं, तो एलसीएम लो ध्यान दे रहे, ये कॉट है एलसीएम 1/10 हो गया, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर माइनस 1 और एक टेन कट जाएगा एक ऊपर बच जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई जो मुझे नजर आ रहा है ये आ रहा है टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो, सो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, इसको ध्यान देना, ठीक है, एक काम और करूंगा यहां पे, वो ये कि एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक है, उसका फायदा क्या, तो ये माइनस को ना देखो तो ये 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना बन जाता है टेन 2a, तो फाइनली मेरे पास है कितना पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ दिस इज माइनस हाफ और टेन ऑफ 2a, ठीक है, अब टेन इनवर्स ऑफ माइनस देखो एक ये नीचे आपका आई है, ठीक है, यहां पे वो कितना था टेन इनवर्स ऑफ हाफ और टेन 2a, ठीक है, अब टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स ऑफ, बेसिकली ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाएगा पाई, कब केस कौन सा है ये पाई क्यों आया, जब आपका ए था पाई बाय 0 से पाई बाय 4 में, क्योंकि उस केस में कॉट आपका 1 से बड़ा था, सेकंड केस में जब आपका ए पाई बाय 4 से पाई बाय 2 चला जाएगा तो उस केस में कॉट आपका 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, कॉट 1 से छोटा, कॉट क्यूब 1 से छोटा, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा, तो उस केस में बस ये आपका पाई नहीं आएगा, तो अगर पाई नहीं आएगा तो ये पूरा इसकी कैंसिल होकर क्या देगा बन जाएगा 0, और वही हमारा आंसर है सेकंड पार्ट में क्या बनेगा 0, ठीक, सो बस ध्यान क्या रखना है कि ये प्रॉपर्टी जब हम इन दोनों पे लगाने जा रहे थे सो जो इनके जो अंदर जो वैल्यूज रखी हुई है इनपुट्स हैं एक्स और वाई, इनका प्रोडक्ट एक तो पॉजिटिव है, दूसरा इनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, पहले केस में 1 से बड़ा था ये पाई आया तो ये इससे कैंसिल होकर पाई बचेगा इन फर्स्ट केस, सेकंड केस में क्योंकि ये अब दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो गया तो ये पाई नहीं आएगा तो ये पूरा इससे कैंसिल होके बचेगा क्या 0, ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन डू कम इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो, बस आपको कहीं पे थोड़ा सा ये कंडीशन पे काम करने पे सोचने पे वो मजबूर करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये बिना देखे या बिना सोचे समझे कंडीशन अप्लाई कर दी तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा, यानी कि जैसे कि मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही बात करता हूं और मैं इसको नहीं ध्यान रखता, ये पाई नहीं ऐड करता या कर लेता गलती से, तो ऑब्वियसली आंसर आपका डिफरेंट होगा। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज इफ टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 20k इक्वल्स टू k, देन सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इज, सो यहां से जो एक इक्वेशन बन गई जिसमें एक वेरिएबल k है, तो इक्वेशन में इसे सॉल्व करते हैं तो k की पॉसिबल जो वैल्यूज है उनका हमें सम चाहिए और ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, चलो
करते हैं, साफ दिख रहे tan inverse of x plus tan inverse of y, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूंगा, बाहर आपका रखा हुआ कितना tan, सो ये मेरे को देगा tan inverse of x plus y 2 plus 20k upon 1 minus 2 into 20k and this is nothing but equals to, ठीक है चलो अब यहां से इसको कैंसिल करो, सो बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन बच गई, 2 प्लस 20k डिवाइडेड बाय 1 माइनस 40k इक्वल्स टू k, सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास आपका बच गया 2 प्लस 20k इक्वल्स टू k माइनस 40 के स्क्वायर, ठीक है सो इसको इधर लेके आओ, हमारे पास इक्वेशन आ रही है 40 के स्क्वायर प्लस 19 के प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है यहां से जो क्वाड्रेटिक बन गई ऑब्वियसली के की दो वैल्यूज आएंगी, हमें कुछ चाहिए हमें तो पॉसिबल वैल्यूज किया समझाइए, तो यहां से जो दो वैल्यूज आएंगी के वन प्लस के टू और सम ऑफ रूट्स लगा दो मैं डायरेक्टली, दैट इज माइनस बी अपॉन ए विच इज नथिंग बट माइनस 19 अपॉन 40, ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन दिस सिंपल प्रॉपर्टी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इट इज इफ tan इनवर्स ऑफ this minus tan inverse of this equals to tan inverse of 6 upon x, then the value of tan, the value of 5x की बार 8 minus 4x की बार 4 plus 7 equals to, और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन, ठीक है चलो हम कुछ ये सिंपल से क्वेश्चन है, tan inverse of x minus tan inverse of y वाला फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है तो उसके लिए क्या होगा tan inverse of x plus y, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं x plus upon x minus x minus 3 upon x divided by 1 plus x into 1 yani x minus x plus 3 upon x multiplied by x minus 3 upon x and this is equals to nothing but inverse of 6 upon x, ठीक है tan inverse of a minus tan inverse of b या फिर tan inverse of x minus tan inverse of y tan inverse of x minus y upon 1 plus x, ठीक है इसको सिंपलीफाई करते हैं यहां से, अच्छा इसको हटाओ यहां से, ये आपको कितना मिलता है x x कैंसिल 3 by x minus minus plus 3 by x यानी कि 6 upon x, ओके ये पूरा कट गया आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स, ऑब्वियसली ये जीरो तो नहीं हो सकता, तो मेरे पास करंट क्या मिल गया इसको लेके जाते हैं, ओके सो व्हाट आई हैव इज 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, चलो ये 1 भी आपका कैंसिल होगा, सो यहां से मिल गया मेरे को x की पावर 4 इक्वल्स टू 9, ठीक है सिंपल सा आंसर x की पावर 4 9 हमें आई थिंक यही चाहिए और इसी का यूज करना है यानी हमें इसके लिए निकाल ले x की पावर 4 9 है तो फिर ये कितना हो गया 81, तो जल्दी से कैलकुलेशन कर लो थोड़ी सी, ठीक है तो ये आ जाएगा 5 इंटू 81 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 7, ठीक हो ये कितना है 5, ये आ गया 4 0 5 माइनस 6 प्लस 7 कितना मिल रहा है 412 माइनस 36
उनतीस ओके कुछ गड़बड़ है, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक्स की पावर 4 9 आ रहा है, तो ये एक्स की पावर 4 का स्क्वायर 81 हो गया, 5 into 81 5 405 माइनस 36 प्लस 7 ये आपका हो गया 412 माइनस 36। मैं ही कह रहा हूं कि मेरे को कुछ आंसर नजर नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन में, आई कैन रीचेक या वेरीफाई कर लेता हूं मैं। शाबाश देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, और कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब सॉल्यूशन जो भी है इसके आंसर में हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। सो 512 माइनस 436 जो भी आप 12 में से ये 6 गए आपके बच गए 6 और 40 में से 3 गए तो ये आपका बच गया 7। सो वी हैव 376 एज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट एन इशू। चलो आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं उस फॉर्मूले की बात कर देता हूं जो मैं काफी टाइम से आई थिंक बोल रहा हूं, एक दो बार आज के लेक्चर में हो चुका हूं वो देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये नोट करो। ओके फॉर्मूला है says tan inverse of x1 plus tan inverse of x2 plus tan inverse of x3 and so on, ये कितने भी हमारे पास, this is equals to यहां पे आपका आता है एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स एंड सो ऑन। ये एस वन एस टू एस थ्री एस सिक्स जो भी मैं लिख रहा हूं, आई होप कि आपने कहीं ना कहीं तो देखिए, देखो ये क्या चीज है, एस वन यहाँ पे ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इनका सम है, एस वन सम टेकन वन एट ए टाइम, यानी कि ये और कुछ नहीं है सिग्मा एक्स आई या फिर सिग्मा एक्स वन क्या, ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन, ठीक है। सिमिलरली आपका S2 क्या है, X1, X2, X3 जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं सबका सम, जितने भी नंबर्स हैं सबका सम टेकन टू एट ए टाइम, सिग्मा लगाना है बट दो दो के पेयर में प्रोडक्ट करते करते, ठीक है, या फिर सिग्मा X1, X2, ये हमने देखा था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, जहां पर अगर वाई क्वांटिटी आ जाती है तो आपके पास चार पॉसिबल केस बनते हैं, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, क्यूबिक में तीन बनते हैं एस वन एस टू एस थ्री, क्वांटिटी में दो बनते हैं एस वन और एस टू, सम ऑफ फ्रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्वांटिटी में, क्यूबिक में अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एस वन एस टू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एस टू और एस थ्री होता है अल्फा बीटा गामा, सिमिलरली बाई क्वांटिटी में और हायर डिग्री पॉलीनोमियल्स में, तो ये वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। सो बाकी आप आई होप कि समझ ही गए हो कि ये क्या मतलब है। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये कॉम्पिटिशन में भी काफी जगह लगता है, बाकी कंडीशंस की टेंशन अगर कुछ कंडीशन होगी तो इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे फिर हमें वो पेयर वाइज करना पड़ेगा, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये क्वेश्चन इसमें बेस्ड आता है तो फिर कुछ कंडीशंस वो अपने आप को मैनेज करके चले, क्योंकि डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जहां पे हमें इसकी जरूरत है, ठीक। चलो हम इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेवन है, ठीक है, राइट डाउन, इट सेज इफ अल्फा बीटा गामा
अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, चार रूट्स हैं इस वाई क्वांटिटी की, जो कि एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये हमने जूलियन इक्वेशन में देखा था, तो वही चीज है। ठीक है, अब यहां से ऑब्वियसली अब आगे क्वेश्चन, तो चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कभी। एंड एंड आगे है मॉड ऑफ टैन ऑफ आई हैव टैन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस टैन इनवर्स बीटा प्लस इनवर्स गामा प्लस इनवर्स डेल्टा इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। Then find the value. Then find value of. देखो ध्यान से, a की पावर b प्लस b की पावर a प्लस a की पावर a प्लस b की पावर b। तो कुछ नहीं है, वो आखिर में कुछ कैलकुलेशन करवाना चाहता है आपसे और कुछ नहीं। ठीक है, बेसिकली हमें इस इक्वेशन से और इक्वेशन से ये ए और बी निकाले जो कि आपस में क्या है, को प्राइम। ठीक है, सो बच्चे लोएस्ट फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, इस पे तो देखते बाद में, सबसे पहले हम इसको जो नजर आ रहा है लगाने वाला वो फॉर्मूला भी है कि ये चार पे अगर आप एक साथ फॉर्मूला लगाता हूं तो। ठीक है, उससे पहले मैं अगर बात करूं इक्वेशन से कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहां से सबसे पहले मेरे को मिलता है S1 यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, कितना हो जाएगा ये थ्री। ठीक है, सिमिलरली S2 कितना हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए यानी कि फाइव, फिर S3 कितना अगेन माइनस बी अपॉन ए यानी कि सेवन, और S4 कितना। ठीक है, याद रखना ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा अल्फा, दिस इज सिग्मा अल्फा बीटा, दिस इज सिग्मा अल्फा बीटा गामा, और दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सिग्मा एस फोर वो एक ही टर्म बन रही है आपके अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, इस पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, अंदर मेरे पास है टेन और ये बन जाएगा tan inverse of what? A plus x1, x2, x3, x4, वही s1 minus s3 plus s5, वो तो है नहीं आपके s4 तक ही है, 1 minus s2 plus s4, बस इतना सा आपका फॉर्मूला। ठीक, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे को मिल रहा है मॉड ऑफ tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ एस वन हमारे पास कितना है, इट इज थ्री माइनस एस थ्री इट इज सेवन, वन माइनस एस टू है फाइव और एस फोर है नाइन। ठीक, सो इसको भी हटाओ जो भी अपना, ठीक है, ये मिल रहा आपका ऊपर फोर नौ दस में से पांच के पांच, सो इट इज मॉड के बाद फोर मॉड फाइव। ठीक है, सो बेसिकली ये है आपका ए और ये है आपका बी ऑलरेडी हो। ठीक है, जब ए मिल गया बी मिल गया तो फिर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर आप खुद से कर पाओ तो बेटर है। क्या चाहिए मुझे, फोर की बार फाइव, फाइव की बार फोर, फोर की बार फोर, फाइव की बार फाइव, फोर इंटू फाइव, कुछ
बड़ा सा नंबर बन के आएगा, ठीक है। सो आप कैलकुलेट कर, ठीक है, हमें क्या चाहिए, 4 की पावर 5, 5 की पावर 4, 4 की पावर 5 प्लस 4 इंटू 5, आंसर आप करो मैं करता, ठीक है। सो मैच करेंगे आपका, आप प्लीज ये आप कर पाओ तो इसका आंसर निकालो और मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कितना, ठीक है, विल मैच करेंगे। चलो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी या फिर दिस फॉर्मूला दैट वी हैव जस्ट रेड। मैं एक और काम कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है। आज का हमने काफी होमवर्क कर लिया, गुड है, अच्छी बात है, आप इसको होमवर्क में करो, ठीक। सो क्वेश्चन है, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर आर नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो numbers satisfying satisfying tan inverse the opponent plus tan inverse the opponent plus tan inverse tan inverse e upon x equals to y by 2, then which of the following holds good, ठीक है। सो ऑप्शन है, ये कह रहा है सिग्मा एक्स आई, ऑब्वियसली आई आपका एक से लेकर 4 तक, इसकी वैल्यू है a plus b plus c plus d, then b option है, it says sigma 1 upon xi is equals to 0, c option है, it says sin, ठीक है, याद रखना ये sin मतलब ये product की बात कर रहा है xi, बेसिकली एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स फोर, इसकी वैल्यू है ए बी सी डी, और लास्ट ऑप्शन है ये बोल रहा है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स फोर प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, दिस इज इक्वल टू अगेन ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये भी ए बी सी डी की इक्वल है। सो नोट डाउन केयरफुली द फोर ऑप्शंस एंड दिस क्वेश्चंस, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट आई एक्सपेक्ट कि आप इसको ट्राई करके आओ और जो भी आपका आंसर है, जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो अपना सोल्यूशन, या फिर आप स्नैपशॉट अपनी सोल्यूशन की पिक लेके कमेंट में भी जरूर इसको मुझे बताओ, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू नो कि आपका क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है, अदरवाइज हम इसको डिस्कस करेंगे।